हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर टिक्का रैप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉर्टिला शीट बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया और आधी कटोरी सूखा आटा ले लिया। एक चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर देंगे। एक चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं वैसे ही। टॉर्टिला बनाने के लिए मैंने मैदा और आटा दोनों यूज किए हैं, आप चाहे तो अकेले मैदे से भी बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम चटनी तैयार कर लेंगे। ये मैंने धनिया ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, एक अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, दो हरी मिर्ची, एक चम्मच इसमें नींबू का रस डाल देंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अब इसे हम बीट कर लेंगे। इसमें हम दो चम्मच दही डालकर इसे दोबारा से बीट कर लेंगे। ये हमारी हरी चटनी रेडी हो गई। मैंने व्हाइट मेयोनीज ले ली है, इसमें हम थोड़ी सी टोमेटो केचप डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मेयोनीज सॉस रेडी हो गई। अब हम डो को चेक कर लेते हैं, इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। ये डो रेडी हो गया है। अब मैं डो को इक्वल पार्ट्स में कट कर लेती हूँ। पेड़े कर लिए हैं, अब हम इसे बेल लेंगे। पेड़े को मैंने सूखे आटे में कोट कर लिया, इसकी हम पतली रोटी बेल लेंगे। ये मैंने पतली रोटी बेल ली है, इसी तरह से हम बाकी भी बेल लेंगे। तवे को हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गर्म करके इसमें हम टॉर्टिला डाल देंगे। इसमें हमने टॉर्टिला शीट डाल दिया, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो जाए बस उतना ही पकाना है। ये दोनों तरफ से थोड़ा सा पक गया है, बस हमें इतना ही पकाना है। इसी तरह से हम बाकी भी पका लेंगे। के लिए सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, इसमें हम एक चम्मच बेसन डाल देंगे, इसे अच्छे से पका लेंगे। बेसन को हमने पका लिया है, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच देसी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश कर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, पनीर और प्याज डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पनीर भी ऐड कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे हम कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसमें हम थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन बाद में डालने से इसमें स्मेल और भी अच्छी आती है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पनीर टिक्का बनकर एकदम तैयार है। अब हम गैस को बंद करके इसे थोड़ा देर ठंडा रखने की। अब हम टॉर्टिला रैप रेडी कर लेते हैं।
इसे हम बीच में से कट कर लेंगे हाफ। अब हम फर्स्ट वाली साइड पे मेयोनीज वाली सॉस लगा देंगे, सेकंड साइड पे हम ग्रीन वाली चटनी लगाएंगे, अब इसके ऊपर हम खीरा रख देंगे और थोड़ा सा अनियन रख देंगे, इस साइड पे हम चीज स्लाइस रख देंगे, आप चाहे तो मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने पनीर टिक्का की स्टफिंग रख दी है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि स्टफिंग हमेशा लास्ट में ही रखिए, क्योंकि स्टफिंग लास्ट में रखने से ये बाहर नहीं निकलती। तवे पर थोड़ा सा बटर लगा देंगे, इसे रैप करके हम सेक लेंगे। पनीर टिक्का रैप बनकर एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।